रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज जम्मू दौरा, 2000 शहीदों के परिवारों को करेंगे सम्मानित, तो ऑपरेशनल तैयारियों का भी लेंगे जायजा। WHO ने मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया, भारत में सामने आया तीसरा मामला। शिक्षक भर्ती मामले में घोटाले में गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी की बिगड़ी सेहत, अस्पताल में भर्ती। अग्निपथ योजना के तहत भारतीय नौसेना को मिले 3 लाख से अधिक आवेदन। आजम खान ने योगी सरकार के परिवार को मिल रही धमकी। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। केंद्रीय मंत्री व सांसद स्मृति ईरानी अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची। अमेठी के तिलोई तहसील स्थित राजभवन में स्मृति ईरानी पहुंची। यहां राज्य मंत्री मैंकेश्वर शरण के भाई के निधन पर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की और श्रद्धांजलि अर्पित। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर प्रदर्शन व रोड जाम करने वाले संभल के पास कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किए जाने को लेकर कांग्रेस नेताओं ने विरोध जताया और ईडीएम कार्यालय पहुंचकर डीएम मनीष बंसल व एसपी चक्रेश मिश्रा को सौंप दिया और पूर्व मंत्री दीपक कुमार ने डीएम व एसएसपी पर भाजपा कार्यकर्ताओं के रूप में काम करने का आरोप लगाया। भाजपा की जो केंद्र की सरकार है वो ईडी का, सीबीआई का, केंद्रीय एजेंसियों का जो है लगातार दुरुपयोग कर रही है, ख़ास तौर से कांग्रेस के लोगों पे। और कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं, पहले राहुल जी को परेशान किया 5 दिन तक लगातार बुला के, और अब उन्होंने सोनिया जी को मतलब परेशान करने की कोशिश की है। उसी के विरोध में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं सभी लोग आक्रोशित थे बहुत ज़्यादा। उन्होंने जगह जगह अपना प्रदर्शन किया, ये मांग की है कि ये गलत है, इस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करना ये नाजायज है। कानपुर के गोविंद नगर इलाके में रहने वाली एक महिला को पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने जबरन घर से निकाल दिया। पीड़ित का आरोप है कि ससुराल वाले उससे मारपीट करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। वही थाने में सुनवाई न होने पर महिला ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। वही मामले पर संज्ञान लेते हुए जेसीपी ने जांच कर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। महिला अपने बच्चों के साथ यहाँ इस कार्यालय में अभी अपना आवेदन लेके आई थी। हमने उनके आवेदन को देखा, पढ़ा और हमने उनसे बात भी की है। हमने इसे गोविंद नगर थाने में भेजा है। इस प्रकरण पर पूरे तथ्यों को संपूर्णता से एग्जामिन करने के लिए और प्रकरण पर सुनवाई नियमानुसार तत्काल की जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई विलम्ब नहीं है। देशभर में एक बार फिर जीएसटी और कोयला दरों में वृद्धि की गई है, जिसके बाद ईंट निर्माता ने कल्याण समिति की बैठक की। इसमें देवीपाटन मंडल के सभी ईंट निर्माता मौजूद रहे और सभी ने अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रधानमंत्री को संबोधित 8 सूत्री ज्ञापन जिला पंचायत अध्यक्ष को सौंपा। ऑल इंडिया ब्रिक एंड टाइल्स फेडरेशन और उत्तर प्रदेश ईंट माता समिति के आह्वान पर सभी जनपद की सभी जिला इकाइयाँ इस आह्वान में शामिल हैं। उसी क्रम में आज श्रावस्ती में आज एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें हमने ये निर्णय लिया है कि आगामी सीजन 2022-23 में हम अपने भट्टे बंद रखेंगे, इसलिए कि हम भट्टा चलाने की स्थिति में नहीं हैं। कोयले की दरों में यकाएक बड़ी वृद्धि कर दी गई। यूपी के हमीरपुर में 3 दिनों से हो रही झमाझम बारिश से शहर के कई इलाके नाले उफान पर आ गए हैं, जिससे करीब 6 वार्डो में 2 से 3 फुट पानी भर गया है। सड़कों में पानी भरने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई घरों में बारिश का पानी भरने से हजारों का नुकसान भी हुआ है। जगह जगह पानी भरने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।
आपको लिया है छोटी साहब हर बार समस्या ही है। हाँ बस समस्या पहले बड़ी गुलिया थी तो जानवर घुस जाते थे, आए अब हो गई छोटी, अब धीरे रसेगा फिर जमादार आएंगे सफाई करेंगे। यहाँ जब भी पानी गिरता है जब भी यहाँ भर जाता है, नाले भी बने भी हैं जबकि कोई भी अभी पानी रुकता नहीं है। क्या कारण है अभी जो भी कारण हो सकता है यहाँ का? नहीं तो कौन सी जगह है और कैसे पानी भरा? ये नाले ही का पानी आता है हमारे यहाँ पर। कौन सी जगह है ये? पोस्ट ऑफिस है। समस्या जो है ये अक्सर भी बारिश होती है तो नालियाँ नीचे हैं तो इसके बदौलत ये पूरा ये मतलब इधर से लेकर इधर तक भर जाता है। इसमें कीड़े मकौड़ों की समस्या रहती है, कोई कीड़ा मकौड़े आ जाते किसी काट टूट ले। हर साल ये रहता है? हाँ हर साल ये रहता है, जब भी बारिश होती है तो हर साल ये रहता है। अभी तो कम है, अगर दो घंटे बारिश हो जाए, दो घंटे अगर बारिश हो जाए तो ये पूरा भर जाता है। नालियाँ भरी हैं, आगे का नाला भी पूरा गंदा पड़ा है, उसमें सफाई नहीं होती ज्यादातर। गाजियाबाद के मोदी नगर में एसएसपी मुनिराज और एसपी देहात डॉक्टर ईरज राजा ने कावड़ सेवा शिविरों का औचक निरीक्षण किया और एसएसपी ने एसपी देहात को कावड़ यात्रा में शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की परेशानी न होने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही सड़कों पर लाइट सीसीटीवी कैमरे व ड्रोन कैमरों द्वारा निगरानी करने के आदेश दिए। साथ ही कावड़ सेवा शिविर में शिव भक्तों को भोजन भी परोसा। इसके लिए हमने पूरा फजल में फजल कस करते देखते आया, मैं पूरा मोदी नगर इलाका का 800+ से यहाँ तक कादरपुर तक देख के आया है और कावड़ बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, पूरा पॉलिटिकल सर्विस बहुत अच्छी है। फिर भी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से, जनपद गाजियाबाद का बॉर्डर कादरपुर से सीसीटीवी के माध्यम से हमारा दिल्ली बॉर्डर तक सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखा है। पूरा कावड़ का मूवमेंट और ट्रैफिक के मूवमेंट पूरा उसकी निगरानी रखा है। साथ साथ हमारा जो भी सेंसिटिव प्लेस है वहाँ पर पुलिस प्रबंधन रहा है और साथ साथ वॉलंटियर्स के माध्यम से अच्छी व्यवस्था कराया है। और यहाँ पे खासतौर से मोदी नगर में जो दर्शक लोग हैं बहुत लोग रोड पर दिखाई पड़ रहा है, जो कांवड़ी जाता है उसको दर्शन करने के लिए बहुत लोग दर्शक रहता है। उसके लिए मैं लोकल SHO का निर्देश दिया है, सभी रस्सा लगा के बैरिकेड लगा के उनका नियंत्रण रखेंगे और साथ साथ कल और परसों दो दिन ज़्यादा से ज़्यादा डाक कांवड़ का मूवमेंट रहेगी। बारह ज्योतिर्लिंग के अलावा भगवान भोलेनाथ के यूं तो देश में कई प्राचीन और प्रख्यात शिवालय हैं, इनमें से एक धर्मस्थल ऐसा भी है जहां लोग कर्ज से दबे लोग शिव भक्त की आराधना के लिए आते हैं। यही वजह है कि प्रयागराज के इस मंदिर में त्रिमकेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। प्रयागराज के यमुना तट पर ऋण मुक्तेश्वर के नाम से मशहूर भगवान शिव के शिवालय का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है और यही वजह है कि सावन के महीने में यहाँ कर्जे से मुक्ति के लिए शिव भक्त खींचे चले आते हैं। मनकामेश्वर मंदिर स्थान की जहाँ तक बात करें तो इनके ही परिसर में ऋण मोचन मंदिर है। ऋण मोचन का ऐसा विधान आया है कदम पुराण में कि प्रयाग के दक्षिण में और यमुना के उत्तर में जो स्थान है वो ऋण प्रमोचन है और उस स्थान पर पूर्णिमा के दिन या सावन के मास में कभी भी स्नान करने से, स्नान करके यमुना में और फिर उनका जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें तो जो ऋण होते हैं हमारे जीवन के, जैसे लोग पैसे का ही ऋण मानते हैं पर वो भी एक ऋण है और माता का ऋण भी होता है, पिता का ऋण भी होता है, भाई के ऋण भी होते हैं। और जो कर्ज अगर हमारे जीवन में कभी हम किसी का ले लेते हैं और किसी कारण नहीं चुका पाते हैं तो उनका जलाभिषेक करने से उस ऋण से मुक्ति मिलती है, ऐसा पद्म पुराण में उल्लेख आता है। अगर ऋण मुक्तेश्वर महाराज की पूजा करता है तो सारे पापों से मुक्ति पा जाता है और साथ साथ जन्म के पाप से मुक्ति पाता है और कर्ज से डूबा हुआ व्यक्ति हमेशा कर्ज से उसका कर्ज खत्म हो जाता है और ऋण मुक्त महाराज की उनकी बहुत कृपा बनी रहती है। सावन में हमेशा दर्शन करता है, सातों जन्म से पाप से मुक्त हो जाता है और ऋण मुक्तेश्वर महाराज की ऐसी कृपा बनी रहती है कि जो पूजा पाठ करता है अर्चना ऋण मुक्तेश्वर महाराज की ऐसी कृपा बनी रहती है कि जो पूजा पाठ करता है अर्चना करता है उसका कर्ज से डूबा हुआ व्यक्ति बेरोजगार व्यक्ति कष्ट उसके दूर करते हैं, सदैव शंकर भगवान उसकी मनोकामना पूरा करते हैं। आप एक जो मत्स्य पुराण और कुर्म पुराण में और प्रयाग महात्म में स्कंद पुराण में भी ये चार पुराणों के द्वारा ये जाना जाता है कि अक्षय पट के समीप पश्चिम तट पर एक ऋण मुक्तेश्वर नाम का तीर्थ है। इस तीर्थ में जो भी स्नान करके ऋण मुक्तेश्वर भगवान का जलाभिषेक करता है
वह तीन प्रकार से ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता है। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, इन ऋणों का उल्लेख किया गया है। ऋण मुक्तेश्वर तीर्थ में ऋतु मुक्तेश्वर में स्नान तीर्थ में स्नान करने से, जलाभिषेक करने से, रुद्राभिषेक से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना के लिए ऐसे तो शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन प्रयागराज का यमुना तट किनारे भोलेनाथ भंडारी का ऐसा मंदिर जहाँ कर्ज से डूबे शिव भक्त खास आराधना के लिए आते हैं। प्रयागराज से आशीष भट्ट, प्राइम टीवी के लिए। WHO ने मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि 70 से अधिक देशों में मंकी पॉक्स का प्रसार एक वैश्विक आपात स्थिति है। आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में मंकी पॉक्स से अब तक करीब 15,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वही मंकी पॉक्स के बढ़ते मामले को देखते हुए यूपी सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।